नमो साहब सब लोग बैठे थे। तो जिले में जो लॉकडाउन है उसको पूरी तरह से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह के निर्देश जारी किए हैं उन निर्देशों का पूरी तरह से यहाँ पर पालन हो रहा है। और जो गरीब लोग हैं जो किसी तरह किसी योजना से आच्छादित नहीं है उन लोगों की विशेष रूप से डीएम साहब ने अभियान चलाया है, लोगों को भी आर्थिक रूप से उनको मदद हो इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बैंक है और राशन दुकानें हैं और गैस की जो वो है वहाँ पर जो भीड़ हो रही है उसको भी थोड़ा व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। तो कुल मिलाकर जनपद में अच्छी बात है कि कोई भी कोरोना जैसी बीमारी का पॉजिटिव कोई भी व्यक्ति नहीं मिला है। प्रशासन हमारा पूरी तरह से इस व्यवस्था में लगा हुआ है, पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्था हो रही है, सफाई कर्मी सफाई कर रहे हैं और आगे के लिए इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना खड़ी हो उसकी तैयारी की दिशा में भी पूरी तरह से डीएम साहब ने व्यवस्था की है। कुछ हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल भी लिए हैं, कुछ डॉक्टर लिए हैं, सब तरह की व्यवस्था की गई है। और विशेष रूप से जो गरीब लोग हैं उनको कोई भी इस लॉकडाउन में परेशान न रहे उसकी भी चिंता सुनिश्चित की गई। नहीं यार आप लोग करो ना, पत्रकार लोगों का काम है जागरूक करना, हम लोग तो जो कर सकते कर ही रहे, आप लोग करो ना, ये सब कराओ व्यवस्था में सब लगे हुए देखिए, सारे लोग सब लोग गर्मी में धूप में सब पुलिस के लोग सब लोग देखिए सब लगे सब व्यवस्था हो रही है। किसी को कोई परेशानी है तो यहाँ कंट्रोल रूम है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे वहाँ पर है, हम लोगों के भी नंबर है, तो कोई किसी की कोई समस्या है तो वो बता सकते हैं, उसके समाधान करें। ठीक है, जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।